हेलो फ्रेंड्स, रिया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कौन से फैब्रिक में कितने नंबर की सुई यूज करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। ज्यादातर लोग एक ही सुई से सभी तरह के कपड़े सिल देते हैं, जिससे सिलाई में इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। सिलाई तो हो जाती है लेकिन फिनिशिंग नहीं आ पाती है। जैसे हमारा कपड़ा लाइट वेट है और इसमें हम ज्यादा नंबर की सुई यूज करते हैं तो स्टिचिंग तो हो जाएगी लेकिन कपड़े में होल जैसे हो जाएंगे या फिर कहीं कहीं से ऐसा लगेगा कि कपड़ा कट रहा है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें, जैसा फैब्रिक है उसी के अनुसार नीडल यूज करें ताकि अच्छी सिलाई आए। ज्यादातर हम तीन तरह के कपड़े स्टिच करते हैं, एक है लाइट वेट फैब्रिक, दूसरा है मीडियम वेट फैब्रिक और तीसरा हैवी वेट फैब्रिक। सुई पर दो तरह से नंबरिंग लिखी होती है, जैसे मान ली ये नो नंबर अमेरिकन नंबर है और 65 जो लिखा है वो यूरोपियन नंबर है। हम नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि नो नंबर सुई दे दीजिए, 11 नंबर सुई दे दीजिए, हम ज्यादातर अमेरिकन नंबर से बोलते हैं। ये नॉर्मल सिलाई मशीन की नीडल है और अगर आपको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के बारे में देखना है कि कौन से नंबर की सुई हमें किस कपड़े में यूज करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको नॉर्मल सिलाई मशीन के बारे में बता रही हूँ कि आपको उसमें किस नंबर की सुई आपको कौन से फैब्रिक में यूज कर सकते हैं। तो 9 नंबर और 11 नंबर ये दोनों हम लाइट वेट फैब्रिक में यूज करते हैं। जैसे आपको फैब्रिक बताती हूँ, जैसे नेट फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है या फाइन कॉटन फैब्रिक है, फाइन सिल्क फैब्रिक है, जैसे वॉयल फैब्रिक है, फाइन पॉलिएस्टर फैब्रिक है, फाइन ब्रासो फैब्रिक है, इस तरह के जैसे टिश्यू फैब्रिक है, ये सभी लाइट वेट फैब्रिक है। इन सभी फैब्रिक में आप 9 और 11 नंबर की नीडल का यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपके बहुत ज्यादा आपको उसमें नॉर्मली अस्तर लगाना है तो आप उसमें 11 नंबर की सुई भी यूज कर सकते हो। और अगर आप बिना ऐसे अस्तर के सिल रहे हो तो इस तरह के लाइट वेट फैब्रिक में आप 9 नंबर की सुई का यूज करें। अब मैं आपको मीडियम वेट फैब्रिक के लिए बताती हूँ। मीडियम वेट फैब्रिक के लिए आप 14 और 16 नंबर की नीडल का यूज कर सकते हो। मीडियम फैब्रिक में भी जैसे देख मान लीजिए आपका थोड़ा सा पतला कॉटन है तो आप 14 नंबर यूज कर सकते हैं और थोड़ा उससे हेवी है तो आप 16 नंबर ले सकते हैं। वो आप कपड़े के अकॉर्डिंग आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपको इसमें कितने नंबर की सुई लेनी है। ज्यादातर हम 14 और 16 नंबर की नीडल का यूज करते हैं सिलाई के लिए। और मीडियम वेट फैब्रिक में कौन कौन से कपड़े आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कॉटन फैब्रिक, रेयन फैब्रिक, लिनन फैब्रिक, साटिन, लॉन फैब्रिक, मसलिन फैब्रिक, पोपलिन फैब्रिक, इस तरह के फैब्रिक मीडियम वेट फैब्रिक में आते हैं। इसके लिए हम 14 और 16 नंबर की सुई का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ 18 और 21 नंबर की सुई। हैवी वेट फैब्रिक के लिए हम 18 और 21 नंबर की नीडल का यूज करते हैं। जैसे हैवी वेट फैब्रिक में मैं आपको बताती हूँ, शूटिंग के फैब्रिक, पेंट या कोट का फैब्रिक, जींस फैब्रिक, डेनिम फैब्रिक, इन सभी में हम 18 और 21 नंबर की नीडल का यूज करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए जींस है, हमने एक फोल्ड करके हमने स्टिच तो 18 नंबर से हो जाएगी लेकिन हम अगर बेल्ट बना रहे हैं तो बेल्ट में बहुत ज्यादा उसमें कैनवास भी रखनी होती तो उसमें हम 21 नंबर की नीडल का यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे वो बहुत मोटा हो गया। जैसे आपका पर्दे का कपड़ा, कुछ पर्दे का कपड़ा बहुत मोटा होता है तो उसमें आप 21 नंबर की नीडल यूज कर सकते हैं। सोफा कवर का कपड़ा है या मोटी आपकी कोई बेड शीट है उसको आप फोल्ड कर रहे हो तो उसके लिए भी आप 21 नंबर की सुई का यूज करें। यदि आप हैवी वेट फैब्रिक पर 9 या 11 नंबर की नीडल यूज करते हैं तो सुई टूट सकती है या फिर सुई मुड़ भी सकती है। और यदि आप 18 और 21 नंबर की सुई को लाइट वेट फैब्रिक में यूज करते हैं तो सिलाई में ज्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी और कपड़े में छेद भी हो सकते हैं या कपड़ा खींच भी सकता है, कपड़े में धागे खींचने लग जाते हैं। इसलिए आप हमेशा फैब्रिक के अनुसार ही नीडल यूज करें ताकि अच्छा रिजल्ट आए। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।